का प्रेरक प्रसंग वास्तविक सौंदर्य। राजकुमारी मल्लिका इतनी खूबसूरत थी कि कई राजकुमार व राजा उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं करती थी। आखिरकार उन राजकुमारों व राजाओं ने आपस में एकजुट होकर मल्लिका के पिता को किसी युद्ध में हराकर उसका अपहरण करने की योजना बनाई। मल्लिका को इस बात का पता चल गया। उसने राजकुमारों व राजाओं को कहलवाया कि आप लोग मुझ पर कुर्बान हैं तो मैं भी आप पर कुर्बान हूँ। तिथि निश्चित कीजिए और आप लोग आकर बातचीत करें, मैं आप सबको अपना सौंदर्य दे दूंगी। इधर मल्लिका ने अपने जैसी ही एक सुंदर मूर्ति बनवाई। मूर्ति ठोस नहीं थी, वह भीतर से खाली थी। मल्लिका ने निश्चित की गई तिथि से 2-4 दिन पहले से उस मूर्ति के भीतर भोजन डालना शुरू कर दिया। जिस महल में राजकुमारों व राजाओं को मुलाकात के लिए बुलाया गया था, उसी महल में एक और वह मूर्ति रखवा दी गई। निश्चित तिथि पर सारे राजा व राजकुमार आ गए। मूर्ति इतनी हूबहू थी कि उसकी ओर देखकर सभी राजकुमार एकटक होकर देख रहे थे और मन ही मन में विचार कर रहे थे कि बस अब बोलने वाली है, अब बोलेगी। कुछ देर बाद मल्लिका स्वयं महल में आई और जैसे ही वह महल में दाखिल हुई तो सारे राजा व राजकुमार उसे देखकर दंग रह गए कि वास्तविक मल्लिका हमारे सामने बैठी है तो यह कौन है। मल्लिका बोली, यह मेरी ही प्रतिमा है। मुझे विश्वास था कि आप सब इसको ही सचमुच की मल्लिका समझेंगे और इसीलिए मैंने इसके भीतर सच्चाई छुपाकर रखी हुई है। आप लोग जिस सौंदर्य पर आकर्षित हो रहे हो, उस सौंदर्य की सच्चाई क्या है? वह सच्चाई मैंने इसमें छुपाकर रखी हुई है। यह कहकर ज्यों ही मूर्ति का ढक्कन खोला गया, त्यों ही सारा कक्ष दुर्गंध से भर गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो भोजन उसमें डाला जा रहा था उसके सड़ जाने से ऐसी भयंकर बदबू निकल रही थी कि सबके सब छे छे करने लगे। तब मल्लिका ने वहां आए हुए सभी राजाओं व राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, सज्जनों, जिस अन्न, जल, दूध, फल, सब्जी इत्यादि को खाकर यह शरीर सुंदर दिखता है, मैंने उन्हीं खाद्य सामग्रियों को कई दिनों से इस मूर्ति के भीतर डालना शुरू कर दिया था। अब वो ही खाद्य सामग्री सड़कर दुर्गंध पैदा कर रही है। दुर्गंध पैदा करने वाले इन खाद्यान्नों से बनी हुई चमड़ी पर आप इतने फिदा हो रहे हो तो सोचकर रिके देखो कि इस अन्न को रक्त बनाकर सौंदर्य देने वाला वह आत्मा कितना सुंदर होगा। क्वोट, मल्लिका की इन सारगर्भित बातों का उन राजाओं और राजकुमारों पर गहरा असर पड़ा। उनमें से अधिकतर राजकुमार तो सन्यासी बन गए। उधर मल्लिका भी संतों की शरण में पहुंच गई और उनके मार्गदर्शन से अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।